जॉइन। मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सिविल जॉब्स एकेडमी द्वारा एमपीपीएससी के इंटरव्यू से संबंधित गाइडेंस के लिए एक श्रृंखला स्टार्ट की गई है, जिसमें मेरे द्वारा और अन्य इंटरव्यू एक्सपर्ट द्वारा आप लोगों को समय समय पर उपयोगी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू संबंधी ओवरव्यू आप लोगों को दिया था। इसके बाद आदरणीय श्री मनोज बर्मन सर का हमने लाइव सेशन किया था यूट्यूब पर। फिर मैंने दो वीडियो जारी किए हैं और इसके बाद एमबीपीएससी की पूर्व सदस्या आदरणीय शोभा दीदी, उनका एक वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड किया है। ये सारे वीडियो आप जो है देख सकते हैं, अवेलेबल हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो तो ज़रूर देखें, उनसे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इसी कड़ी में मैं आगे आप लोगों को ऐप से संबंधित जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में ऐप से संबंधित कुछ चीज़ें बताई थी आप लोगों को, जैसे उसमें नाम, पिता का नाम और सरनेम, इससे संबंधित जो है डिटेल मैंने बता दी थी कि इससे संबंधित किस तरह से क्वेश्चंस इंटरव्यू में आप लोगों को पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं। इसके आगे हम आज बात करेंगे। इसके बाद आता है जन्म तारीख एवं वर्ष, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर दिवस से पूछे जाते हैं, है ना। अगर आपके जन्मदिन पर, जन्म तारीख पर कोई दिवस मनाया जाता है तो उस दिवस की पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। जन्म तारीख तो पता ही रहती है, जन्म का दिन आपको ध्यान रखना है, जिस दिन आपका जन्म हुआ वो दिन कौन सा था वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जन्म, जन्म का दिनांक, जन्म का दिन, महीना और ईयर तो खैर पता ही रहता है। तो जन्म का जो ईयर है उस वर्ष की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो घटनाएं आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 1984 में हुआ है तो 1984 की एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, इंदिरा गांधी हत्या हुई थी, तो वो पूरी डिटेल आपको ध्यान रखना पड़ेगी क्यों हुई थी हत्या। जैसे किसी का जन्म 1986 में हुआ है, 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी तो नई शिक्षा नीति पूछते हुए अभी वर्तमान में जो 2020 की जो शिक्षा नीति है उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे किसी का जन्म 1992 में हुआ है तो बाबरी मस्जिद समय गिराई गई थी तो उसकी पूरी डिटेल आपको पूछ। 1991 में किसी का जन्म हुआ है तो एलपीजी के बारे में पूछ सकता है, फिर अर्थव्यवस्था पर आ सकता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, कब से स्टार्ट हुए, ये सारी चीज़ें जो है आपको पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से जो है जो ईयर आपके जन्म का है उस ईयर से संबंधित राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से संबंधित घटनाएं आपको पता होना चाहिए। जन्म का महीना उसमें तो खैर उतनी ज़्यादा क्वेश्चन उस महा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन जन्म की जो तारीख है, जन्म का जो दिनांक है, उस दिन उस तारीख को जो भी घटना घटित हुई है इतिहास में या अदर, उसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 13 अप्रैल किसी का जन्मदिन है तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसी का जन्म जो है जैसे 26 नवंबर है तो 26 नवंबर को हमारा संविधान अपनाया गया, उसको अंगीकार किया गया तो उसको संविधान दिवस के रूप मनाया जाता है। 11 जुलाई तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को 5 अरब जनसंख्या हुई थी विश्व की तो उस उपलक्ष्य में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, ये दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और वर्तमान में इसकी थीम क्या है, ये भी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये प्री में भी पूछते हैं।
जो भी दिवस है वो तो दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, और इसकी वर्तमान में अगर थीम कोई है तो वो थीम भी आपको पूछ, ठीक है। तो इस तरीके से ये है जन्म तारीख एवं वर्ष। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर कैटेगरी आती है कि डेप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, डेप इसी के अकॉर्डिंग डेप में ये रहती हैं। तो कैटेगरी में SC, ST, OBC, सामान्य और EWS। तो सामान्य कैटेगरी में तो खैर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन ज़्यादातर SC, ST, OBC और EWS से संबंधित बनते हैं। इनके संवैधानिक प्रावधान आपको पता होना चाहिए, संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान है, SC, ST, OBC और EWS के लिए। इनसे संबंधित कार्यक्रम कौन से चल रहे हैं, वो कार्यक्रम आपको जा सकते हैं। इनसे संबंधित आयोग हैं, जैसे SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, तो आयोग के संबंध में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा EWS, जैसे EWS का भी मैटर लगातार चर्चा में रहा है, कोर्ट में मामला था, तो उस उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। EWS से संबंधित क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में था, और इस EWS से संबंधित जो आरक्षण दिया जा रहा है उसको हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो पूरी डिटेल जो है आपको पता होना चाहिए, EWS से संबंधित जो संशोधन अधिनियम है 103 संशोधन अधिनियम 2019 है, कौन से प्रावधान इस अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए संविधान में, तो 15(6)(a), 15(6)(b), 16(6) ये प्रावधान जोड़े गए हैं, क्या क्या है वो डिटेल आपको पढ़ लेना है। कौन से मानदंड हैं, किन मानदंडों के आधार पर EWS को आरक्षण दिया जाता है, उनको EWS की कैटेगरी में रखा जाता है, तो वो 8 लाख का क्राइटेरिया है, 8 लाख इनकम का क्राइटेरिया, कुछ और क्राइटेरिया है, तो वो आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर रिट दायर की गई थी इसको लेकर के, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। इसमें संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया गया था, समानता के अधिकार का इसमें उल्लंघन बताया गया था, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण केवल सामान्य वर्ग को ही इसमें दिया गया है, अन्य कैटेगरी को नहीं दिया गया है, और 50% से ज़्यादा आरक्षण यहाँ पर हो रहा है, तो वो भी एक आधार इसमें माना गया था। फिर इंदिरा साहनी के केस का उल्लेख आ सकता है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। 1992 का इंदिरा साहनी जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देने की बात कही थी, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिक्र आ सकता है, तो वो पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण ज़्यादा के संबंध में भी कहा था कि भाई इस मैटर पर ये जो मामला है 50% से अधिक आरक्षण देने का, इस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो क्षेत्र जो है 16(4), 16(5) इसके संदर्भ में ही वो 50% से ज़्यादा के आरक्षण का मामला बनता है ना। आर्थिक आधार पर जो आरक्षण ये दिया गया है इसमें वो क्राइटेरिया लागू ही नहीं होता है, तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये गलत नहीं है, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, मैंने एक ओवरव्यू दिया है, आपको डिटेल इसकी पता होना चाहिए कि किस आधार पर EWS के आरक्षण को चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर इसको हरी झंडी दी, ये दोनों आस्पेक्ट आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद OBC का आरक्षण को लेकर, OBC को जो 27% आरक्षण MP में दिया गया है, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आप क्या इसमें कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, तो आपको इसमें संतुलित जवाब देना। देखो आरक्षण का जो मामला होता है इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है, इसलिए जो है इसमें बहुत संतुलित जवाब देना होता है। आपको यही बोलना है कि ये मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, आपको बहुत सम्मान पूर्वक कोर्ट को बोलना होता है, तो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय सुनाया जाएगा वो हम मान्य करेंगे। तो वो पूछेंगे भाई 27% होना चाहिए कि 14% होना चाहिए, तो आपको बोलना है कि भाई उच्च न्यायालय ने कहा है कि 27% आरक्षण अगर दिया जाता है तो 50% से ज्यादा आरक्षण होगा, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो उस आधार पर 14% आरक्षण ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपको बहुत संतुलित जवाब देना है,
उसमें आप जरा सा अगर इधर उधर होंगे, बायस होंगे, तो आप उलझ जाएं। इसलिए आपको पूरा छोड़ देना है हाई कोर्ट पर, कि हाई माननीय हाई कोर्ट जो है जो निर्णय सुनाएंगे उस निर्णय को हम मान्य करेंगे, बस। बहुत ज़्यादा इसमें आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है ना। SC ST के संबंध में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, खासतौर से ST को लेकर के, इनकी जो परंपराएं हैं, इनके जो लोक नृत्य हैं, लोकनाट हैं, लोकगीत हैं, है ना, पर्व हैं, उत्सव हैं, त्यौहार हैं, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे भिलाला जनजाति में, मैं क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता हूँ, भिलाला जनजाति में एक रोटी और बेटी की प्रथा चलती है, जो इस जनजाति के लोग हैं उनको पता होगा। रोटी बेटी की प्रथा का मतलब होता है कि ये लोग दूसरी जनजाति में ना तो अब रोटी खाते हैं और ना ही अपनी बेटी देते हैं, इसको कहते हैं रोटी बेटी की प्रथा। भील जनजाति जो है उसमें भगोरिया उत्सव है, गोल गधेड़ो है, गुजरात के जो भील हैं वो वहाँ पर होली के अवसर पर गोल गधेड़ो होता है, उसकी पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। भगोरिया उत्सव है, भगोरिया नृत्य होता है होली के अवसर पर। झाबुआ अलीराजपुर में, भील जनजाति में एक हलमा प्रथा चल रही है, मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। हलमा प्रथा एक श्रम दान करने की प्रथा है, इसमें क्या होता है कि इस जनजाति के लोग किसी को हेल्प करते हैं, अगर कोई नहीं है और उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है तो फ्री में जो है वो सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से जो है हलमा प्रथा के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद गोंड जनजाति के जैसे लोग हैं, तो गोंड जनजाति में दूध लौटावा, आटा साटा प्रथा चलती है, घोटुल प्रथा चलती है, खासतौर से मुड़िया जनजाति में है, लेकिन गोंड जनजाति में घोटल प्रथा चलती है, जिसमें अविवाहित लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं और उनको जो है वहाँ की संस्कृति के बारे में बताया जाता है, फिर उनके बीच विवाह संपन्न भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है ये सारी कैटेगरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस तैयार करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक इन चीज़ों को तैयार करना है ना। तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे आता है पता, आपका जो ग्राम है, आपका जो नगर है, आपका जो तहसील जिला है, वहाँ की ऐतिहासिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा समसामयिक जानकारी आपको होना चाहिए ना? आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट की पहले ऐतिहासिक जानकारी, इतिहास में वो किस रूप में था वो जिला या नगर या गांव, वहाँ पर कौन सा शासक था, उसका वंश कौन सा था, की राजधानी क्या थी, इस तरह से पूरी डिटेल आपको करना। जैसे मान लीजिए किसी का धार डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो धार डिस्ट्रिक्ट का तो बहुत ज़्यादा इतिहास है, उसमें परमार वंश के बारे में पूछेंगे, राजा भोज के बारे में पूछेंगे, बाज बहादुर, रानी रूपमती के बारे में पूछेंगे, होशंग शाह है, महमूद खलजी है, तो बहुत सारे शासक वहाँ पर हुए हैं, तो उनकी डिटेल आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी का विदिशा है, विदिशा में जो है अशोक के बारे में डिटेल पूछेंगे, पहले उसको वेशनगर बोलते थे, शुंग वंश के बारे में पूछ सकता है, पश्चिम संघ के बारे में पूछ सकता है, पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी का छतरपुर खजुराहो है, तो खजुराहो का बहुत बड़ा इतिहास है, चंदेल वंश के बारे में पूछ, खजुराहो के जो मंदिर हैं उनके बारे में डिटेल आपको पूछी जाएगी। किसी का रायसेन है तो सांची पर आप पूछ लेंगे, सांची में भी अशोक के बारे में पूछेंगे। उज्जैन का कोई रहने वाला है तो उज्जैन के बारे में, उज्जैन में जो शासक हुए हैं, विक्रमादित्य हैं, भर्तृहरि हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। इंदौर का कोई रहने वाला है तो इंदौर के होलकर वंश के बारे में, यशवंत राव होलकर हैं, मल्हार राव होलकर हैं, देवी अहिल्या हैं, है ना, इनके बारे में डिटेल आपको तैयार करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। भौगोलिक जानकारी, भौगोलिक जानकारी में देखिए क्या है कि लोकेशन कहाँ पर वो स्थित है, उसकी जलवायु है, वर्षा है, जैसे किसी, जैसे जलवायु, सम जलवायु है, जैसे अब मालवा की जलवायु सबसे अच्छी जलवायु कही जाती है ना, वर्ल्ड की सबसे जलवायु इसको कहा जाता है, सम जलवायु होती है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु होती है, महाद्वीपीय जलवायु क्या होती है उसका डिटेल आपको पूछा जा सकता है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा ठंड होती है, उसको महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है, तो ये डिटेल आपको जैसे से पूछ सकता है। फिर यहाँ पर वन संपदा,
यहाँ पर खनिज संपदा कौन सा खनिज होता है जैसे बालाघाट जिसका, तो बालाघाट में बहुत सारे, सिंगरौली है वहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा होता है, सुहागपुर क्षेत्र शहडोल का सुहागपुर क्षेत्र वहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जो है उस क्षेत्र में जो खनिज या वन संपदा पाई जाती है तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होना चाहिए। कोई फल कहीं बहुत ज़्यादा फेमस होता है जैसे अलीराजपुर का कट्ठीवाड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर नूरजहाँ आम बहुत फेमस है, तो इसके बारे में जरूर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, नूरजहाँ आम भाई क्या है, इसको आमों की मल्लिका कहा जाता है, अभी बहुत ही खराब है, आम के पौधे कम हो गए हैं, नूरजहाँ आम के पौधे, बहुत बड़ा आम होता है इसकी, इसको विदेशों में भेजा जाता है, तो नूरजहाँ आम क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये है। इसके बाद हाँ, फिर इसके बाद आर्थिक जानकारी, आर्थिक जानकारी में कृषि है, पशुपालन है, उद्योग है, इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कृषि कौन सी वहाँ पर फसल ज़्यादा होती है ना, गेहूँ है तो गेहूँ, मालवा क्षेत्र में गेहूँ होता है, नर्मदा घाटी क्षेत्र है, होशंगाबाद है, हरदा, यहाँ पर गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है तो वो आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे सरसों हैं तो भिंड मुरैना में सरसों ज़्यादा होता है, खंडवा खरगोन वहाँ पर कपास ज़्यादा होता है, तो ये पर्टिकुलर जो फसल जहाँ पर होती है वहाँ का अगर कोई निवासी है, रहने वाला है उस डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको उसकी पूरी डिटेल पता होना चाहिए। पशुपालन में वहाँ पर कौन सा पशु बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे अब झाबुआ का कड़कनाथ का मुर्गा जो है, कड़कनाथ जो प्रजाति है मुर्गे की वो बहुत फेमस है वहाँ पर, विदेशों में बहुत फेमस है कड़कनाथ, तो कड़कनाथ के बारे में कई बार पूछा गया एग्जाम में, इंटरव्यू में। कड़कनाथ को जीआई टैग भी मिल चुका है, तो जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग पर बता जाएंगे, जीआई टैग। ऐसे ही जो है सीहोर का, अभी कुछ समय पहले ही सरबती, सीहोर का जो सरबती गेहूँ है उसको जीआई टैग मिला हुआ है ना। तो इस तरीके से जो भी फसल, जो भी वहाँ पर पशु बहुत फेमस है उसके बारे में क्वेश्चन आ जा पूछ लिया जाता है। उद्योग, खास उद्योग वहाँ पर जो होता है उसके बारे में पूछते हैं, जैसे सतना है तो सीमेंट उद्योग बहुत फेमस उद्योग है वहाँ पर, जबलपुर में लकड़ी चीरने का उद्योग है, बुरहानपुर में हथकरघा पावरलूम उद्योग बहुत फेमस है, इस तरह से। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इसमें एक जिला एक उत्पाद के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब आपका जो जिला है उस जिले में जो उत्पाद डिसाइड किया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, तो वो आपको ध्यान रखना है ना, आपके जिले में कौन सा उत्पाद डिसाइड हुआ है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, वो आपको पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, फिर इसकी पूरी स्कीम पर आ सकता है, भाई कब स्कीम लॉन्च हुई, क्या होती है ना, इसका क्या पर्पज है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी, सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी का मतलब है वहां पर पर्व है, त्योहार है ना, लोक नृत्य है, लोकनाट है, जनजातियाँ कौन सी पाई जाती हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अब बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे नृत्य होते हैं, बधाई है, जवारा है, शेर है ना, राई है, स्वांग लोकनाट होता है, मालवा क्षेत्र में बहुत सारे नृत्य हैं, पर्व है, संजा पर्व जैसे यहाँ पर होता है ना? तो इस तरीके से जो है ये लोक नृत्य हैं, लोकनाट हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं उस जिले में जो भी मनाए जाते हैं उनके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। समसामयिक जानकारी, समसामयिक जानकारी के मतलब यहाँ पर है कि उस जिले में हाल ही में जो घटना घटित हुई हो वो आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखेगा इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में वो स्ट्राइक होगा कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ हुई थी कुछ समय पहले, तो तुरंत पूछ लेंगे। जैसे इंदौर में भी ये दुर्घटना हुई है, बावड़ी के ऊपर बैठे थे तो बावड़ी धस गई और नीचे लोग जो है चले गए, तो बहुत से लोग मारे गए, तो वो चीज़ जो है पूछ, वो तो वैसे भी पूछी जा सकती है एमपी के किसी भी कैंडिडेट से पूछा पूछा जा सकता है ना। तो इस तरीके से जो है उस जिले में उस नगर में जो भी दुर्घटना या घटना घटित हुई है उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए। कभी कभी जो है पुरानी घटनाओं के बारे में पूछ लेते हैं, बहुत फेमस कोई घटना घटित हुई है लेकिन समय हो गया फिर भी पूछ लेंगे, है ना। जैसे पेटलावट का जो विस्फोट हुआ था, जिलेटिन की जो छड़ें थी उनमें विस्फोट हो गया था,
उसके बारे में अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले इसके पहले भी इंटरव्यू जो हुए 2018 में उसमें पूछा गया वहां के लोगों से। मंदसौर गोलीकांड किससे क्वेश्चन बहुत बने हैं, अभी भी बन सकते हैं, जबकि 2017 का है ये। पेटलावत का जो विस्फोट है वो 2015 का है। राजेंद्र कसावा उसका मुख्य अभियुक्त माना जाता, पता नहीं चला क्या हुआ। ऐसी मंदसौर गोलीकांड 2017 का केस है, उसमें कुछ गोलीकांड में मारे गए थे। तो वो पूरी जो है आपको जो घटनाक्रम है उसकी पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से पते से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डेप से संबंधित आगे की जानकारी बताऊंगा, आगे किस तरह से क्वेश्चन डेप से संबंधित पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, गुड लक, थैंक यू।